हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कॉल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। अब देखिए, ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 मई टू 31 मई। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 21 मई टू 31 मई। लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके। अब स्कॉर्पियो देखिए, हमारे पास 5 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी एनर्जी है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे ना आप फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है हमारे पास। किसी रिलेशनशिप में आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, रिलेशनशिप, कनेक्शन, मैरिज, फ्लिंग, व्हाटएवर जो भी सिचुएशनशिप, बट आपको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है। आपको लग सकता है नेक्स्ट 10 डेज में कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैं अपना चीज, अपनी फीलिंग्स, अपनी जो भी अंदर से फील कर रहे हो आप, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरे को कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, और आपको थोड़ा सा ट्रैप्ड फील हो सकता है कि यार ये तो मैं किसी गलत सिचुएशन में फंस गया, ये तो किसी गलत इंसान के साथ में फंस गया। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई वुड वांट टू बी विद। मे बी टॉकिंग स्टेज में कुछ और था इंसान, एंड अब अपना असली रूप दिखाया है एंड आपको नहीं पसंद आ रहा है, बट फंसा हुआ महसूस हो सकता है, आपको ट्रैप्ड फील हो सकता है। एंड उसके साथ साथ आपको ये भी लग सकता है कि मैंने ये क्या कर दिया। गिल्ट आ सकती है, रिग्रेट आ सकता है, पछतावा आ सकता है, सैडनेस हो सकती है। एक वो गिल्ट ट्रिप पे जाता है ना इंसान की, ये तो मेरी वजह से हुआ है, सेल्फ पिटी कि ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से सारी चीजें खराब हुई हैं। एक रिग्रेट होता है कि मैंने इस इंसान को क्यों हाँ करा, या मैं इस इंसान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में क्यों गया, या मैं व्हाई डिड आई फॉल फॉर दिस पर्सन, व्हाई डिड आई फॉल इन लव विद दिस पर्सन। तो वो एक गिल्ट ट्रिप पे आप जा रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज में, और फंसा हुआ तो महसूस डेफिनेटली कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास एस ऑफ कॉइंस भी है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर तो थोड़ा सा मेस्ड अप एनर्जीज हैं, बट साइमल्टेनियसली ना आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है आपका थोड़ा सा ध्यान बटा रहे, क्योंकि आप ट्रैप तो फील कर रहे हो पर्सनल रिलेशनशिप्स में, लव, कनेक्शन, मैरिज में, बट आपको नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपको नया काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिल रहा है, तो नई चीजों की शुरुआत हो रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, तो वो सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बढ़ते दिख रहे हैं, जो कि शायद आपका जो दुख है ना थोड़ा सा, वो थोड़ा सा कम कर देंगे, थोड़ा सा माइनस कर देंगे, क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप में जो आपको नहीं मिल रहा है वो आपको पैसे से मिलेगा, जो खुशी, सेटिस्फैक्शन, जो भी बोल लीजिए उसको। अब हम देखेंगे कि हर एक ज़ोडियक साइन क्या फील करता है, एनर्जीज, इंटेंशंस टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। सरप्राइज दे सकते हैं एरीज आपको, मे बी कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ इवेंट प्लान कर रहे हैं, कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, टैटू करवा लिया है उन्होंने, या हेयर कट करवा लिया है, गंजे हो गए हैं, बट समथिंग, बट कुछ सरप्राइज तो वो देने वाले हैं आपको। टॉरस की क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। डोंट बी मिसलेड, हो सकता है टॉरस आपको मिसलीड करने की कोशिश करें, आपको जाना चाहिए लेफ्ट डायरेक्शन में एंड टॉरस आपको राइट डायरेक्शन में पुश करें, तो डोंट बी मिसलेड, फेस वैल्यू पे मत जाइएगा, एंड उनकी बात जो वो बोले, जरूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड सारी चीजें आप मान लें। ठीक है, थोड़ा सा अपना विजडम रखिए, वाइजली सोचिए, खुद डिसाइड करिए। जेमिनी की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। जेमिनी आपको बहुत पसंद करते हैं, दे एडोर यू, दे फाइंड यू क्यूट, दे माइट कम अप टू यू एंड से कि हाँ यू नो लाइक आई लाइक यू, तो वो प्रपोजल तो नहीं बट एक होता ना कन्फेशन सॉर्ट ऑफ। कैंसर की क्या एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स, इंटेंशन टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। कैंसर हो सकता है अभी तक प्रॉमिसेस कर रहे थे बट उन प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे बट उस चीज को प्रूव नहीं कर रहे थे। लाइक बोलना अलग होता है और एक्शन करना, एक्शन लेना टुवर्ड्स दैट थिंग, वो डिफरेंट एनर्जी होती है। टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन। कैंसर इस बारी शायद उन्होंने जो प्रोमिसेस करे थे पेरेंट्स को बताऊंगा, फ्रेंड से मिलवाऊंगा, या जो भी है ट्रिप पे लेके जाऊंगा, वट एवर इट इज, आई थिंक इस बारी वो करके दिखा रहे हैं वो चीज। ठीक है, लियो की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। लियो अपना कन्फेशन कर रहे हैं आपसे, दे लाइक यू, दे लव यू, दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर लाइफ विद यू, बट कन्फेशन प्रपोजल आ रहा है। वर्गो की क्या इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स, एनर्जीज टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। वर्गो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिकनेस को एंजॉय करते हैं, आपके माइनस पॉइंट्स, प्लस पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स के साथ उन्होंने आपको एक्सेप्ट करा है, एंड आपको भी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। रादर देन आस्किंग देम टू चेंज देमसेल्व्स, आई थिंक आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए द वे दे आर, बिकॉज उन्होंने इनफैक्ट वो आपका जो एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो आपको सबसे हटके बनाता है बाकी लोगों से, वो चीज एंजॉय करते हैं। ठीक है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। ओके, लिब्रा की क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आईज। लिब्रा कहीं दूर से आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। दे लाइक यू, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, बट वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, थोड़ा हेजिटेंट हैं अभी, शायद इतने गट्स नहीं है, बट पसंद डेफिनेटली करते हैं दूर से, मे बी जिम और लाइक बस या कहीं पूल कैब में कहीं या ऑफिस में ही कहीं पे हैं, बट आपको ऑब्जर्व डेफिनेटली करते हैं। स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। Things are not as they appear. If you're dealing with another Scorpio, then they might be lying to you. They might be telling you something else, like completely different. सच्चाई से बिल्कुल हटके चीज। ठीक है, तो फेस वैल्यू पे मत जाइएगा, जो दूसरा बोले उसको मानने की जरूरत नहीं है। सैजिटेरियस की क्या intentions, vibes, feelings, energies towards Scorpio. I think Sagittarius ना आपको पसंद करते हैं, और मे बी नॉट लाइक आपको पसंद नहीं करते हैं, बट दे वॉन्ट अ कंपेनियन, दे वॉन्ट अ पार्टनर इन देयर लाइफ, बट दे जस्ट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, अप्रोच कैसे करना है, बात कैसे करनी है, क्या करना है, रिलेशनशिप में चाहिए क्या। अच्छा, रिलेशनशिप चाहिए तो पार्टनर कैसा चाहिए, उनको कुछ नहीं पता, बस उनको सिर्फ ये पता है कि हाँ उनको प्यार चाहिए, बट प्यार में क्या होता है, कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, रिलेशनशिप में कौन कौन से सैक्रिफाइसेस, एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी, दे नो नथिंग। ठीक है, सो दे नीड टू टर्न ऑन देयर लव लाइट, बिकॉज दे वांट टू फाइंड लव बट दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। सो वो वाली मुझे एनर्जी दिख रही है सैजिटेरियस की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज बताइए केप्रिकॉन की क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। अगर आपको लग रहा है कि केप्रिकॉन आपके साथ क्यों है, वो इतने अच्छे दिखते हैं या वो इतना अच्छा अर्न करते हैं, और वट एवर इट इज, उनको तो और 10 लोग मिल जाएंगे, लड़का लड़की, वट एवर देयर जेंडर इज, जेंडर प्रेफरेंस इज, बट प्लीज इतना मत सोचिए, दे आर विद यू बिकॉज दे आर इन लव विद यू। ठीक है, लव इज द ओनली रीजन, देयर इज नो हिडन एजेंडा बिहाइंड इट। आपको लग सकता है कि थोड़ा सा फिशी है ये इंसान, क्यों है मेरे साथ, भाई कुछ फिशी नहीं है, वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, एज सिंपल एज दैट। एक्वेरियस की क्या एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। टाइम फॉर अ लव फेस्ट, आप भी लव फेस्ट का पार्ट है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, इन केस यू आर लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, देन एक्वेरियस इज नॉट योर पर्सन, बिकॉज ये अभी हॉप करते रहेंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, टू थर्ड पर्सन, टू फोर्थ पर्सन, सो दे वोंट स्टिक विद वन पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स लाइक अ लव फेस्ट गोइंग ऑन फॉर देम। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस की क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। पाइसेस आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे वांट टू एंटर योर लाइफ, दे लाइक यू, दे लव यू, बट आई थिंक उनको थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा बिकॉज आप मूव ऑन नहीं करे हैं। यू नीड टू क्रिएट स्पेस, यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट पर्सन, फोटोज, मेमोरीज, लेटर्स, आई एम नॉट श्योर, कॉन्वर्सेशन, सारी डिलीट करिए, फेंकिए। इस इंसान के लिए टाइम बनाइए, जगह बनाइए अपनी लाइफ में, बिकॉज अदरवाइज ये एंटर तो कर जाएंगे आपकी लाइफ में, बट इनको फील होगा कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कहीं और ही हो, लाइक फिजिकली इनके साथ हो बट मेंटली इमोशनली कहीं और हो, विच वोंट बी फेयर, राइट। सो वो थोड़ा सा आपको करने की जरूरत है, बट येस, मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।